Hello everyone, my name is Surabhi Singh and today I am going to explain OSI model, very important topic for communication technology. Koi bhi communication OSI model ke bina nahi possible hai, although ab iska advanced version TCP and IP protocol ya model aa chuka hai, but still aapko base ke liye OSI model ko padhna bahut zaruri hai. Aaj hum yahan OSI model ke bare mein shuru karne ja rahe hain, yani open system interconnection ke bare mein batane ja rahe hain. अगर हम OSI मॉडल की बात करें तो OSI मॉडल की ज़रूरत क्यों पड़ी. सपोज़ इस कंप्यूटर पे आपको डेटा भेजना है, तो अगर आपको मेरा लास्ट वीडियो याद हो जहाँ पर मैंने आपको लैन पैन वैन मैन के थ्रू बताया था कि आप डेटा को किस तरीके से ट्रांसफ़र करोगे, तो सेम उसी तरीके से आपका जो ये OSI मॉडल है यानी ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन है, ये भी डेटा को ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है. सपोज़ इस कंप्यूटर में विंडोज़ का सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है, इस कंप्यूटर में मैक का सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है और आपको इन दोनों कंप्यूटर में आपको डेटा को ट्रांसफ़र करना है यानी सेंडर से रिसीवर की तरफ भेजना है, तो उसके लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी एक्शन लिए जाएंगे वो मैं आपको OSI लेयर के थ्रू समझाना चाहती हूँ. बेसिकली यहाँ पर 7 लेयर्स होते हैं, आप देख सकते हैं, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड अ फिजिकल लेयर. डिपेंड कि इसमें पहला लेयर हम किसको बोलेंगे ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप सेंडर साइड से देख रहे हैं या आप रिसीवर की साइड से देख रहे हैं. यानी अगर आप सेंडर की साइड से देखते हैं तो पहली लेयर आपकी एप्लीकेशन लेयर आएगी, और अगर आप रिसीवर की साइड से देखते हैं तो पहली लेयर आपकी फिजिकल लेयर आएगी. मैं यहाँ पर एक ओरल एग्जाम्पल लेकर आपको समझाना चाहती हूँ जिसके थ्रू आपके माइंड में कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा कि कौन से लेयर पर क्या काम होता है. उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इंडिविजुअली एक एक लेयर के बारे में, उससे रिलेटेड टर्म्स के बारे में बताऊंगी जहाँ से क्वेश्चंस हर बार पूछे जा रहे हैं. डियर स्टूडेंट, आप ICT के लास्ट 4 ईयर के क्वेश्चंस पेपर को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि 60% क्वेश्चन आपके OSI मॉडल से आए हुए हैं. तो चलिए हम बात करते हैं. मैं एक एग्जांपल लेती हूँ यहाँ पर. सपोज़ ये मैं वाराणसी में हूँ, वाराणसी के एक ऑफिस में एज अ CEO मैं काम करती हूँ, और मेरे पास एक 500 पेजेस का डॉक्यूमेंट है जिसको मुझे दूसरी कंपनी के ऑफिस में यहाँ पर बैठे हुए CEO यानी इनका नाम सपोज़ रमन है, इन तक मुझे पहुँचाना है. यानी एज अ सुरभि सिंह मैं वाराणसी में बैठी हुई एक कंपनी में हूँ जिसको 500 पेजेस का एक डॉक्यूमेंट गोरखपुर में रहने वाले इस CEO को पहुँचाना है जो अपनी कंपनी में काम करते हैं. तो मैंने क्या किया, एज अ एप्लीकेशन लेयर पर हूँ मैं, सपोज सबसे हाईएस्ट लेयर पर हूँ, मैंने प्रेजेंटेशन लेयर के एक इंसान को बुलाया और मैंने उससे बोला कि ये 500 पेजेस के डेटा को तुम गोरखपुर के उस पर्टिकुलर ऑफिस में पहुंचा दो. प्रेजेंटेशन लेयर आता है, प्रेजेंटेशन लेयर देखता है कि ये 500 पेजेस का डॉक्यूमेंट है, और चूंकि ये डॉक्यूमेंट मैम ने मुझे जर्मन लैंग्वेज में दिया हुआ है और जो जिस तक मुझे पहुंचाना है उसे सिर्फ इंग्लिश आती है, तो प्रेजेंटेशन लेयर उस पर्टिकुलर 500 के पेजेस को वो क्या करेगा, पहले तो ट्रांसलेट करेगा, यानी जर्मन से वो पहले उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेगा. उसके बाद उसे रियलाइज़ होगा कि ये डेटा बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है, रास्ते में जाते वक्त लीक हो गया तो मेरी नौकरी जा सकती है, इसलिए उसको इनक्रिप्ट करेगा. इनक्रिप्ट करने का मतलब क्या होता है कि ऐसे डेटा को उसको इस तरीके से कवर करेगा कि उसको कोई और पढ़ ना पाए, और उसके बाद वो उस डेटा को कंप्रेस भी करेगा. ये काम कौन कर रहा है, आपका प्रेजेंटेशन लेयर. प्रेजेंटेशन लेयर का एक काम और भी होता है. सपोज जैसे मुझे यहाँ से वहाँ पर डेटा ट्रांसफ़र करना है तो ये पेजेस में है, तो इसके पास वो डॉक्स फाइल की तरह लगाएगा इसको, या ये पेजेस हैं तो इसको कवर करेगा, इनक्रिप्ट करेगा. उसके बाद से ये सेशन लेयर को ये भेज देगा. सेशन लेयर क्या करेगा, सेशन लेयर इस पर देखेगा कि मुझे इसको कहाँ पर पहुँचाना है, किस कंपनी को पहुँचाना है. अच्छा, गोरखपुर में पहुँचाना है तो गोरखपुर के उस ऑफिस के सेशन लेयर पर जाकर उससे कांटेक्ट करेगा, हेलो मुझे आपको एक 500 पेजेस का डेटा को भेजना है, आपका ऑफिस कितने बजे खुला रहेगा, आपके ऑफिस में क्या इसको अब लेने के लिए कोई 9 बजे के बाद अवेलेबल रहेगा. यानी वो एक सेशन कनेक्ट करेगा, यानी यहाँ से यहाँ एक सेशन कनेक्ट हो जाएगा कि मैं एक डेटा भेज रहा हूँ, आपके पास पहुँच जाए तो आप मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा. ये काम आपका सेशन लेयर करता है. उसके बाद बात आती है ट्रांसपोर्ट लेयर की. ट्रांसपोर्ट लेयर आपका बेसिकली, अब उसके पास क्या है कि ये 500 पेजेस की एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है, उसको ये क्या करेगा, ये 500 पेजेस की एक डॉक्यूमेंट है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर ये सोचता है कि एक साथ अगर हम इस 500 पेजेस को भेजेंगे और सपोज़ रास्ते में ही ये कहीं लॉस हो गया तो मुझे तो बहुत डांट पड़ेगी, 500 पेजेस पूरे पूरे लॉस हो गए, तो वो क्या करता है, इसको सेगमेंट में तोड़ लेता है, यानी इसके 5 पार्सल्स बना देता है, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है. अब इस 5
अलग अलग पार्सल्स को बनाने के बाद ये आपका नेटवर्क लेयर को भेज देता है। अब नेटवर्क लेयर ये देखता है कि मुझे इसको गोरखपुर में ट्रांसफर करना है, ठीक है। अब इसको मुझे गोरखपुर में ट्रांसफर करना है तो गोरखपुर पे जाने के लिए कौन कौन से पाथ हैं, बाई फ्लाइट जा सकता हूँ, बाई ट्रेन जा सकता हूँ, बाई रोड जा सकता हूँ, तो बहुत सारे पाथ्स हैं, सपोज 3 या 4 पाथ हैं। तो वो डिसाइड करता है कि मुझे कौन सा रूट लेना है, यानी मुझे बस बाई फ्लाइट जाना है, मुझे बाई ट्रेन जाना है, मुझे बाई रोड जाना है। मुझे बाई रोड में भी अगर 2-3 ऑप्शंस हैं, लाइक दो एक तरफ का जीपीएस 2-3 रास्ते दिखा रहे हो, तो उसमें से मुझे कौन सा पाथ चूज़ करना है। ये चीज़ आपका नेटवर्क लेयर डिसाइड करता है कि मुझे शॉर्टेस्ट पाथ चूज़ करना पड़े जिसमें कम से कम समय लगे। उसके बाद से डेटा लिंक लेयर पर नेटवर्क लेयर ने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे इस पाथ से जाना है। वो ये चीज़ डेटा लिंक लेयर को बता देता है कि मैंने ये पाथ चूज़ कर लिया है, तुम इस पर्टिकुलर डेटा को वहाँ पर भेज दो। डेटा लिंक लेयर इसको देखता है, डेटा लिंक लेयर कहता है कि अच्छा ये 5 अलग अलग डेटाज हैं, ओके, तो मतलब अब 5-6 हैं तो पांचों के स्टार्टिंग पॉइंट पे मुझे यहाँ पर एड्रेस तो डालना पड़ेगा, यानी रिसीवर का एड्रेस। इस तरीके से पांचों को वो क्या कर देता है, सील लगा लगा के बंद कर देता है। उसके बाद फिजिकल लेयर को देता है कि जाओ तुम, मैंने ये चूज, नेटवर्क लेयर ने बताया है कि बाई रोड जाना सबसे सही रास्ता है, तो तुम इसको बाई रोड पहुँचा दो। तो इस तरीके से इस कंपनी से डेटा निकल गया। सेम इसी तरीके से यहाँ पर आता है तो उस कंपनी में सपोज ये रास्ते से ट्रेवल करते हुए गोरखपुर पहुंच गया। गोरखपुर में पहुंचने के बाद वहां के फिजिकल लेयर पर जाता है तो फिजिकल लेयर इसको चेक करता है कि कहाँ से आया हुआ है। अच्छा, गोरखपुर से आया हुआ है, वो डेटा लिंक लेयर को दे देता है। डेटा लिंक लेयर उसको चेक करता है, अच्छा 500 पेजेस आ गए, ओके, कौन सा पहले आया है। कभी कभार ऐसा हो सकता है कि फोर्थ पहले पहुंच जाए, थर्ड बाद में पहुंचे, सेकंड पहले पहुंच जाए, तो डेटा लिंक लेयर बस इतना चेक करता है कि क्या जितने भी लेयर्स आए हैं सब पे सील लगी हुई है, यानी सबको इसमें से कोई भी डेटा लॉस तो नहीं हुआ है। उसके बाद से वो नेटवर्क लेयर को दे देता है। इतना चेक करने के बाद नेटवर्क लेयर जो आपका होता है वो बेसिकली ये देखता है कि इसने कौन सा रूट फॉलो किया था, यानी जिस जो रूट मतलब सबसे शॉर्टेस्ट था उसको फॉलो किया है कि नहीं, वहाँ पर वो पहुँचा देता है, उसके लॉजिकल एड्रेस को चेक करता है। उसके बाद से ये ट्रांसपोर्ट लेयर पे पहुँचा देता है। ट्रांसपोर्ट लेयर देखता है, अच्छा ये पांचों डेटा तो एक ही एड्रेस से आए हुए हैं, मतलब जितना वाराणसी से ही आए हुए हैं, और सबके पे जो सेंडर का नेम है वो एक ही है, तो वो उन और सब पे नंबरिंग भी पड़ी हुई होती है, 1, 2, 3, 4, 5, तो वो उन पाँचों को वापस से जोड़ देता है, यानी फिर से 500 पेजेस का एक डेटा बन गया रहता है। उसके बाद से सेशन लेयर के पास बता देता है वो। सेशन लेयर वापस वाराणसी के ऑफिस में फ़ोन करता है कि अच्छा आपने जो डेटा भेजा था 500 पेजेस का भेजा था, ओके 500 पेजेस आ गए हैं, अच्छा इस तरीके से भेजा था, इस तरीके से आ गया है। उसके बाद से फिर प्रेजेंटेशन लेयर के पास पहुंचता है। प्रेजेंटेशन लेयर इसको चेक करता है, ऑडियो फाइल है, वीडियो फाइल है, या पेजेस है, अच्छा पेजेस हैं, यहाँ से आए हैं। उसके बाद वो यहाँ के ऑफिस के सीईओ को पहुँचा देता है। तो ये एक स्टोरी मैंने बताई है जिसके थ्रू आप लिंक कर सकते हैं कि डेटा कहाँ से चला था, कैसे पहुँचा था। अब अगर हम टेक्निकली इस चीज़ को एग्जाम्पल के तौर में आप एक मेल को ले सकते हैं कि मेल से सपोज आपने क्या करना होता है, आपने सिर्फ सेंड करना होता है। अब वो हवा में कैसे गया किसी यूज़र के पास, चाहे वो US में किसी का बैठा हुआ किसी इंसान को आपने मेल किया है, उसने तुरंत एट द इंस्टेंट उसके पास मेल पहुंचता है, तो उसके पीछे ये सारे प्रोसेस हो रहे होते हैं। आइए इन प्रोसेस को एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। ये देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब डेटा यहाँ पे सीचिए आपका ये एक डेटा है, ठीक है। इस डेटा पे जैसे जैसे एक एक लेयर पे आप आगे बढ़ते जाएंगे, एक एक हेडर ऐड होता जाता है। सेम इसी तरीके से जब आप रिसीवर की साइड पे रहेंगे तो एक एक हेडर, जैसे मान लीजिए फिजिकल लेयर पे गए, फिजिकल लेयर पर उसने चेक किया, फिर उसके बाद वो आगे वाले लेयर पे भेजा, तो एक हेडर को हटा दिया, एक हेडर को हटा दिया, इससे जो लास्ट में जो आपको मिलता है वो सिर्फ आपको डेटा मिलता है। तो हर एक लेयर जब दूसरे लेयर पर अपने डेटा को भेज रहा होता है तो अपना एक हेडर को ऐड कर देता है। अब यहाँ पर मैंने एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में काम को लिखा, जो मैंने बोला है वही काम मैंने लिखा हुआ है। आइए रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर है, ये क्या करता है, मैसेज को हैंडल करता है, सिस्टम प्रोटोकॉल को फॉलो करता है। जैसे आपने फेसबुक को ब्राउज़ किया तो फेसबुक, व्हाट्सएप या गूगल क्रोम या जो भी आपके मोज़िला हैं उनको बेसिकली ये यूज़र जो है आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। प्रेजेंटेशन लेयर, जैसे मैंने आपको बताया था, प्रेजेंटेशन लेयर क्या करता है, ट्रांसलेट करने का काम किया था, यानी मशीन लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट करता है। सपोज आपने जो भी ASCII फाइल में आपने कोई भी डेटा दिया हुआ है, ठीक है, उसको वो क्या करेगा, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, उसके बाद उसको इनक्रिप्ट करेगा और उसके बाद उसको कंप्रेस करेगा। यानी 500 MBPS का डेटा है तो उसको 500 MB का डेटा है तो उसको क्या करेगा, 20 MB में कन्वर्ट कर देगा, जिससे कि वो व्हाट्सएप या
जो भी आपकी ऐप यूज़ कर रहे हैं उस पर बहुत ईजिली वो जा सके। आजकल आप देखते हैं कि व्हाट्सएप वगैरह पे वीडियोस कितने ईजिली चले जाते हैं, 5-5, 10-10 मिनट की वीडियोस। तो उसको क्या करता है, प्रेजेंटेशन लेयर ही कंप्रेस करता है, क्वेश्चन यहाँ पर बहुत आसानी से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आता है सेशन लेयर। तो सेशन लेयर क्या करता है, कनेक्शन का काम, मैनेज का काम और टर्मिनेशन का काम करता है। यानी पहले तो कनेक्शन उसने GKP में कनेक्शन किया था कि हाँ भाई तुम्हारे पास तक मुझे डेटा आके भेजना है। तो सेम इसी तरीके से सेशन लेयर भी कनेक्शन करता है। जैसे अगर आपको US में कहीं मेल कर रहे हैं किसी को, तो पहले वो कनेक्शन को स्टैब्लिश करेगा। उसके बाद से आता है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर बेसिकली क्या काम करता है, फ्लो कंट्रोल का, एरर कंट्रोल का। फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल का क्या मतलब है, सपोज आप इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर पे डेटा को भेज रहे हैं, यहाँ से डेटा जाने की स्पीड 500 Mbps की है, यहाँ 500 Mbps की है, और यहाँ इस कंप्यूटर की या इस मोबाइल की रिसीव करने की जो स्पीड है वो आपकी 20 Mbps की है। तो वो क्या करेगा, इस फ्लो को कंट्रोल करेगा ताकि डेटा लॉस ना हो और प्रॉपर डेटा वहाँ तक पहुँच पाए। एरर कंट्रोल, यानी एरर कंट्रोल का ये मतलब है, जैसे सब जो भी आपके डेटाज होते हैं वो पैकेट के फॉर्म में जाते हैं, 1, 2, 3, 4, जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो यहाँ पर जो रिसीवर के साइड पैकेट मिल रहा है, पहले 3 मिल गया, 2 मिल गया, वो इस चीज़ को देखता है कि इसमें कोई एरर ना आए, प्रॉपर उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने का काम करता है। जो आपका नेटवर्क लेयर होता है वो क्या करता है, पाथ डिटरमाइन करता है कि कौन से पाथ से जाएगा, राउटिंग करता है, उसके अलावा लॉजिकल एड्रेस को ऐड करता है। जो आपका नेटवर्क लेयर होता है ये बेसिकली आपका क्वालिटी को भी मैनेज करता है एक तरीके से, या क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइड करता है, क्योंकि बेसिकली ये राउटिंग का काम कर रहा है या पाथ डिटरमिनेशन का काम कर रहा है। मैं ये प्रॉपर जो एक नेटवर्क लेयर के बेसिक क्या काम है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, प्रॉपर नेटवर्क लेयर के अंदर आप क्या क्या यूज करते हैं, IPv4, IPv6, PUDP यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ये सारी चीजें बताऊंगी। फिलहाल एक OSI मॉडल की वर्किंग क्या होती है वो मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहती हूँ। उसके बाद से आपका आता है डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर क्या करता है कि जो भी आपके बिट्स हैं उनको फ्रेम में कन्वर्ट करता है। यानी पहले तो उसके आगे पीछे वो भी डेटास को, यानी सेंडर और रिसीवर के एड्रेस को ऐड करेगा, फिर उसको एक फ्रेम बना देगा। उसके बाद से ये क्या करता है, जो फिजिकल लेयर होता है ये आपका बेसिकली ट्रांसमिट बिट ओवर अ मीडियम, यानी जो भी मीडियम हमने चूज किया है उस मीडियम के थ्रू वो ट्रांसफर करता है। वो आपका वायर्ड भी हो सकता है, वो आपका वायरलेस भी हो सकता है। तो आइए पिछले साल का क्वेश्चन देख लेते हैं। 2019 में एक क्वेश्चन पूछा गया है, क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड इन अ कंप्यूटर नेटवर्क। क्वालिटी ऑफ सर्विस आपकी किस लेयर में प्रोवाइड की जाती है, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, नेटवर्क लेयर एंड डेटा लिंक लेयर। तो अभी मैंने ऐसे आपको बताया कि जो आपकी क्वालिटी ऑफ सर्विस है यानी QoS है वो आपका बेसिकली इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने पाथ कौन सा चूज़ किया है। तो उसके लिए, और पाथ चूज़ करने का काम आपका नेटवर्क लेयर में होता है। तो इस तरीके से बहुत से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, डायरेक्ट नहीं आया है कि किस लेयर से रिलेटेड है, लेकिन इसके अंदर जो भी आपके प्रोटोकॉल्स यूज़ किए गए हैं या आपके जो भी कंट्रोलिंग ट्रांसमिशन यूज़ किए गए हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया है। तो नेक्स्ट वीडियो को कंटिन्यूएशन में ज़रूर देखिएगा, अदरवाइज आपका OSI मॉडल की जानकारी आपको सिर्फ 50% ही मिल पाएगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर है, इसमें कौन कौन से अलग से आपके प्रोटोकॉल्स और कौन कौन से आपके अलग से ऐप्स आते हैं जिनकी मदद से आप डेटा को ट्रांसफर करते हैं। तो स्टे ट्यून्ड, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। उन सारे स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंचाइए जो IES की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो आपकी ऑनलाइन स्टडीज में पैसे नहीं वेस्ट करना चाहते हैं, वो ऑनलाइन फीस नहीं सबमिट करना चाहते हैं। यहां पर पूरी इन्फॉर्मेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। थैंक यू।